हमारे चैनल पे आपका स्वागत है दोस्तों। जो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज की टेक न्यूज। दोस्तों आज की पहली और बहुत बड़ी खबर आ रही है रेडमी की तरफ से, क्योंकि रेडमी की तरफ से ऐसी लीक्स आ रही है कि उनकी जितने भी अपकमिंग नोट सीरीज में स्मार्टफोन्स होंगे, यानी कि रेडमी नोट 12 सीरीज में भी टर्बो एडिशन वाले स्मार्टफोन जो आने वाले हैं, और अगले साल या उसके बाद जो रेडमी की नोट सीरीज में स्मार्टफोन आने वाले हैं उन सब में एमोलेड डिस्प्ले और साथ में अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर होगा। तो हो सकता है ये 20,000 या उसके अबव जितने भी स्मार्टफोन आने वाले प्राइस सेगमेंट में उसमें हो सकता है, लेकिन जैसा भी अप्रोच है काफ़ी सराहनीय अप्रोच है रेडमी की तरफ से। वैसे आपका क्या ख्याल है इस अप्रोच के बारे में रेडमी की तरफ से कमेंट में ज़रूर बताना। अगली खबर आ रही है वीवो की तरफ से। वीवो X90 सीरीज की ग्लोबल लॉन्च डेट कन्फर्म हो चुकी है, ये 3 फरवरी को ग्लोबली लॉन्च हो जाएगा। और लीक्स ऐसी भी आ रही हैं कि ये 17 फरवरी को इंडिया में लॉन्च होने वाला है। तो पहले जाने दीजिए ग्लोबली, तब देखते हैं इंडिया में वीवो इनके साथ क्या खास करता है और क्या प्राइस सेट करता है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखते पहले ग्लोबली जाने दीजिए, फिर देखते हैं इंडिया में इनके साथ वीवो क्या खास करता है। अगली खबर आ रही है इन्फिनिक्स की तरफ से। मैंने अपने पिछले टेक न्यूज़ में ये बताया हुआ था कि इन्फिनिक्स 05G 2023 एडिशन को बहुत ही जल्दी इंडिया में लॉन्च कर सकता है। तो उसकी इंस्टाग्राम पोस्टर लीक हो चुकी है जिसमें उन्होंने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि ये 4 फरवरी को इंडिया में लॉन्च हो जाएगा। तो अगर आप इन्फिनिक्स 05G 2023 एडिशन का वेट कर रहे थे तो ये 4 फरवरी को इंडिया में लॉन्च होने वाला है। तो देखते हैं इन्फिनिक्स 05G 2023 एडिशन के साथ क्या खास करता है इंडिया में। और साथ ही दोस्तों इन्फिनिक्स ने इन्फिनिक्स नोट 12Y 2022 एडिशन की लॉन्च डेट भी इंडिया में कंफर्म कर दी है, ये 25 जनवरी को इंडिया में लॉन्च हो जाएगा। और फ्लिपकार्ट के पोस्टर उसके बाहर आ चुके हैं जिसमें देखने से पता चल रहा है कि इसमें मीडिया टेक हेलियो G85 प्रोसेसर, 33W फास्ट चार्जिंग, 50MP ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप, 16MP की सेल्फी, एमोलेड डिस्प्ले, एंड्रॉयड 12, और साथ ही साथ इसमें एमोलेड डिस्प्ले में 1000 निट्स पीक ब्राइटनेस होगी, वाइड वाइन L1 का सपोर्ट। तो देखते हैं, ये तो बजट रेंज का स्मार्टफोन होगा लेकिन कुछ ऐसे भी फीचर्स हैं जो आपको उस रेंज पर नहीं मिलने वाले हैं। तो अगर आप इसका वेट कर रहे थे तो देखते हैं 25 जनवरी को इन्फिनिक्स इनके साथ क्या क्रॉस करता है। अगली खबर आ रही है Xiaomi की तरफ से। Xiaomi 13 Pro BIS और NBTC सर्टिफिकेशन वेबसाइट्स पे लिस्ट हो चुका है, यानी कि इंडिया लॉन्च इसका काफ़ी ज़्यादा करीब है। ग्लोबल लॉन्च डेट की बात करें तो वो 27 फरवरी है, यानी कि 27 फरवरी को ये ग्लोबली लॉन्च हो जाएगा। तो देखते हैं, इंडिया लॉन्च अभी तक कंफर्म नहीं किया गया है ऑफिशियली। तो देखते हैं Xiaomi 13 Pro सीरीज के साथ इंडिया में क्या खास करता है, वो तो आने के बाद ही पता चलेगा। दोस्तों अगली खबर और बहुत बड़ी खबर आ रही है टेक्नो की तरफ से, क्योंकि ऐसी लीक्स आ रही है कि टेक्नो बहुत ही जल्द अपने फोल्डेबल फ़ोन को लॉन्च कर सकता है, क्योंकि उसके कुछ रेंडर्स बाहर आए हुए हैं जिसमें देख के ऐसा लग रहा है कि उसमें ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप और कुछ कुछ टैबलेट की तरह होने वाला डिस्प्ले हो सकता है। तो देखते हैं टेक्नो इन फोल्डेबल फ़ोन के साथ क्या करता है, क्योंकि वो बहुत अच्छी एग्रेसिव प्राइस सेट करता है अपने स्मार्टफोन में भी। तो देख एक्सपेक्टेशन तो वैसे ही है। तो देखते हैं टेक्नो वाले अपने फोल्डेबल फ़ोन के साथ क्या खास करता है, इतनी जल्दी तो नहीं आने वाला है ये, 2023 की एंड तक लॉन्च हो सकता है। तो देखते हैं, पहले आने दीजिए फिर देखते हैं टेक्नो के साथ क्या खास करता है। तो चलिए दोस्तों आज की टेक न्यूज़ ख़त्म होती है इधर ही। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, अगर कोई भी सवाल हो तो कमेंट जरूर करना। अगले वीडियो तक कीप स्माइलिंग एंड थैंक्स।